आज हमने चतुर्थ दिवस पर सत्र से पहले भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया बड़ी धूमधाम से, और द्वितीय सत्र के अंदर में हमने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षों और उल्लास से मनाया। गनेरी वाला परिवार ने बहुत ही आनंद पूर्वक इस रास को आज और इस जन्मोत्सव को बड़े हर्षो उल्लास से मनाया। मैं सभी गनेरी वाले परिवार की तरफ से सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज ऐसा उत्सव उन्होंने बड़े ही आनंदपूर्वक मनाया। हम भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे और उसके बाद शाम को कथा से आरती से पहले हम भगवान की रासलीलाओं का भी सजीव झांकी के रूप में चित्रण करेंगे। भगवान को गिरिराज पर्वत को हम 56 भोग का भोग लगाएंगे। भागवत कथा से सभी भक्तों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि आज भारत देश के अंदर में ही सभी लोगों को सत्संग के माध्यम से ही सुमार्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि बहुत सारी यंग एज के जो नवयुग हैं वो कुमार की तरफ जा रहे हैं। मैं उन्हें संदेश देता हूं कि आप जितने भी यंग एज के जितने भी भागवत या कहीं सत्संग हो रहा हो तो आप जाकर के वहां पर अपने, जिस प्रकार हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं ताकि गाड़ी के अंदर में कोई खराबी ना है, कोई पार्ट्स ख़राब होता है तो गाड़ी के अंदर में कोई चलने में सुविधा रहे, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर में कोई विकार ना आए और हमारे शरीर के अंदर में किसी प्रकार की अनर्गल बातें ना आए, इसके लिए हमें जो है हमारे शरीर के अंदर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए सत्संग के माध्यम से ही, भागवत कथाओं के माध्यम से ही हमें यह एनर्जी मिल सकती है। तो सभी भारत के नवयुवकों को हम, मैं यही संदेश देता हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने और आप इन कथाओं का आनंद लें। आदुर्भाव हो गया और ये हमारे लिए बहुत ही, मेरी तरह से जब पहली बार हम 7-8 बहनों के बीच में जब दुर्गेश का जन्म हुआ था तब साक्षात अपनी आंखें बंद करो तो भगवान नजर आते हैं। ऐसा सजीव चित्रण, ऐसी सजीव झांकियां इन्होंने हमें दर्शन करवाए और हम सब पूरे परिवार की ओर से महाराज जी का धन्यवाद, बहुत छोटा शब्द है धन्यवाद नहीं कहूँगी, महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हैं। पूरी चरणों, पूरी जन्माष्टमी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, आगामी दिनों में भी आप अपनी उपस्थिति ऐसे ही दर्ज कराएं। आप लोगों के आगमन में ही यह कार्यक्रम सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। जय जय श्री सावरस।